सर दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऑनलाइन ऑफलाइन मैसेजिंग के एमसीक्यू सेट करेंगे। तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के एग्ज़ाम 18 और 19 जून को होने वाले हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें हमारे वेबसाइट और हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर में शामिल है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब है यहाँ तुरंत मैसेज जो सेट किया जाता है, जिसके अंदर क्या क्या हो सकता है, फाइल ट्रांसफ़र, शेयरिंग स्क्रीन, चैट मैसेज, ऑडियो वीडियो कॉल या फिर ऑल ऑफ द एबो। तो जो फर्स्ट का जो सही आंसर है वो है डी, ऑल ऑफ द एबो। नेक्स्ट, इंस्टेंट मैसेजिंग आल्सो रेफर टू, तो इंस्टेंट मैसेजिंग किसको रेफर करता है यहाँ पे, तो इंस्टेंट मैसेजिंग करता है डॉक्यूमेंट को, वीडियो को, इमेज को, चैटिंग को। तो यहाँ पे इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब है यहाँ पे डी, चैटिंग को। नेक्स्ट, तो इंस्टेंट मैसेजिंग जो सॉफ्टवेयर जो होता है जिससे तुरंत ही मतलब इमिडिएटली जो मैसेज भेजा जाता है, तो किसका यूज़ किया जाएगा, चैटिंग, जैसे हम फेसबुक के थ्रू चैटिंग तुरंत कर देते हैं, आप देख सकते हो व्हाट्सएप पे इंस्टेंट मैसेज ETC। नेक्स्ट, किसी को ऑनलाइन संदेश भेजने और तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए संदर्भित करता है, तो यहाँ पे थ्री का जो सही आंसर होगा वो होगा इंस्टेंट मैसेजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एडवांटेज ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरित संदेश भेजने का लाभ नहीं है, तो फोर्थ का जो सही आंसर है बी, एनीवन कैन सेंड यू मैसेज आफ्टर गेटिंग योर यूजर आईडी और नंबर। मतलब यहाँ पे आपकी यूजर आईडी और नंबर प्राप्त करने के बाद कोई भी आपको मैसेज भेज सकता है, तो सही आंसर होगा इसका बी, फाइव नंबर। इंस्टेंट मैसेजिंग की विशेषताएँ क्या हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग की जो विशेषताएं हैं वो है टेक्स्ट चैट, ऑफलाइन मैसेज, चैट हिस्ट्री, तो सही आंसर होगा इसका डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक IMS सॉफ्टवेयर नहीं है, IMS सॉफ्टवेयर जो नहीं है वो बताना, तो यहाँ IMS सॉफ्टवेयर जो है गूगल क्रोम नहीं है, तो गूगल क्रोम जो होता है ये एक ब्राउज़र है जो इंटरनेट चलाने के लिए यूज किया जाता है, तो ये सारे जो इंस्टेंट मैसेजिंग के क्या हो गए यहाँ पे सॉफ्टवेयर हो गए। निम्नलिखित में से कौन IMS का प्रकार नहीं है, तो IMS का जो प्रकार नहीं है वो है यहाँ नेटिव IMS, तो एप्लीकेशन बेस्ड IMS होता है और एक वेब बेस्ड IMS होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा IMS उपयोगकर्ता के डिवाइस में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जा सकता है, तो एट का सही आंसर है वो है एप्लीकेशन बेस्ड जैसे एप्लीकेशन वगैरह, जैसे फेसबुक वगैरह है, व्हाट्सएप वगैरह है, तो सारे क्या की जाती है एप्लीकेशन बेस्ड है, तो इसको इंस्टॉल किया जाता है, तो जो इंस्टॉल किया जाता है विंडोज़ या एंड्रॉयड APK, एंड्रॉयड का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है APK। नेक्स्ट, नाइन नंबर, निम्नलिखित में से किसे चैट संदेश में चिल्लाना माना जाता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग यू कंसिडर एज हर्ड शाउटिंग इन चैट मैसेज, तो नाइन्थ का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, द एंट्री मैसेज इन कैपिटल लेटर। इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के क्या उपयोग है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर के उपयोग क्या है, ऑडियो वीडियो कॉल, फाइल ट्रांसफर, शेयरिंग डेस्कटॉप स्क्रीन, तो सही आंसर डी। इंस्टेंट मैसेजिंग ईमेल से कैसे अलग है, तो 11 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे डी, ये जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं वो इंस्टेंट मैसेजिंग से सबसे अलग है। वॉट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर यूजिंग इंस्टेंट मैसेजिंग, त्वरित संदेश सेवा का उपयोग करने के लिए बुनियादी आवश्यकता क्या है, तो 12वें का सही आंसर है यहाँ पे ऐप और वेब ब्राउजर, इंटरनेट और ऑनलाइन माइक्रोफोन एंड स्पीकर, तो सही आंसर होगा डी। IMS के प्रकार, IMS के दो प्रकार है, एक एप्लीकेशन बेस्ड IMS और वेब बेस्ड, तो सही आंसर होगा सी, 13वें का। इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट से आप क्या समझते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट से हम क्या समझते हैं, यहाँ पे एवरी IMS प्रोवाइड अकाउंट चैट विथ अनदर पर्सन, द इंस्टेंट मैसेजिंग अकाउंट आइदर एन ईमेल आईडी और सेपरेट यूजर नेम, इंटरनेट डिफरेंट एंड डिफरेंट एप्लीकेशन सर्विस पर, तो इसका सही आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा मैसेजिंग के लिए एक सोशल नेटवर्क है, तो सोशल नेटवर्क मैसेजिंग के लिए क्या होगा, ट्विटर, क्योंकि यहाँ पे ये अकाउंट होता है और ये अमेजोन एक शॉपिंग साइट हो गई, ईबे भी एक शॉपिंग साइट है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा 15 का सी, ट्विटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, तो इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन जो है वो है वाइबर भी है, गूगल टॉल भी है, व्हाट्सएप भी है, तो सही आंसर डी।
मैं परिवर्तित दस्तावेज वेब पर प्रकाशित किए जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट कन्वर्ट टू कैन बी पब्लिश ऑन द वेब, तो वेब पे किए जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये एक प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट, ट्विटर इज जनरली यूज फॉर, ट्विटर का उपयोग किया जाता है जनरली, तो ट्विटर का उपयोग क्यों किया जाता है, सोशल नेटवर्किंग के लिए। ब्लॉग क्या है, व्हाट इज ब्लॉग, ब्लॉग जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे, तो 19वीं का सही आंसर होगा डी, ए वेबसाइट वेयर यू राइट स्टॉप ऑन द ऑन गोइंग बेसिक, मतलब एक वेबसाइट है जहाँ निरंतर आधार पर सामग्री लिखते हैं, तो सही आंसर होगा डी इसका। 20, कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, तो यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग साइट जो नहीं है वो बताना, तो 20 का सही आंसर सी, विंक नहीं है। ईमेल भेजते समय 2cc bcc फील्ड के अंतर करने के लिए निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे जो 21 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी, रिसिप्ट इन bcc फील्ड कैन सी द ईमेल एड्रेस दैट आर 2 एंड cc फील्ड। निम्नलिखित कौन सा एक ईमेल सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे ईमेल सॉफ्टवेयर होता है वो होता है आउटलुक, तो ये एक ईमेल सॉफ्टवेयर है। वर्ड ये डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, पेंट ड्राइंग के लिए, एक्सेल वर्कशीट और वर्कबुक बनाने के लिए। नेक्स्ट, एक साथ कई प्राप्तकर्ताओं को भेजा गया अवांछित ईमेल कहलाता है, अवांछित ईमेल क्या कहलाता है, स्पैम। अवांछित या अनचाहे ईमेल हम क्या कहते हैं, तो इससे भी हम क्या कहते हैं, स्पैम। सही आंसर 24 का डी। 25, ईमेल निम्नलिखित में से किसके द्वारा डिलीवर किया जाता है, ईमेल किसके द्वारा डिलीवर किया जाता है, वो किया जाता है कंप्यूटर द्वारा, सही आंसर होगा ये। 26, ईमेल में त्वरित पुनर्प्राप्ति के लिए संपर्क जानकारी संग्रहित करने का सुविधाजनक स्थान है, तो 26 का सही आंसर बी, एड्रेस बुक। जीमेल में ईमेल अटैचमेंट साइज लिमिट क्या है, तो ईमेल तो अटैचमेंट की जो ईमेल साइज होती है वो होती है 25 MB। नेक्स्ट, निम्नलिखित में ईमेल का पता चुनिए, तो ईमेल का यहाँ पे पता जो होता है एट द रेट का सिंबल आता है, और यूज़र आईडी, तो यहाँ पे जो आंसर होगा यहाँ स्पेस लगा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा बी, तो 28 का सही आंसर बी है। 29, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, 29 का जो सही आंसर है वो है डी, ईमेल इज एन मेल, तो यहाँ पर ये आंसर इसका जो होगा संदर्भ नहीं है। आउटलुक में नीचे दिए गए टूल्स का उपयोग है, तो यहाँ जो 30 का जो सही आंसर वो है सी, क्रिएट ए न्यू आइटम सर्च एज एन ईमेल मैसेज और अपॉइंटमेंट। ईमेल भेजने के लिए किस नेटवर्क प्रोटोकॉल का, ईमेल भेजने के लिए, तो यहाँ सेंड करने के लिए ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। संरचना और कार्य के आधार पर निम्नलिखित विषम की पहचान करें, फेसबुक, जीमेल, माई स्पेस, आउटलुक, लिंक्डइन, तो यहाँ पे ये जो विषम जो होगा इसमें से 32 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे फेसबुक। निम्नलिखित में से किस तकनीक के माध्यम से अतुल्यकालिक संचार होता है, नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुनिए, तो 33 का जो सही आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द एबव, ब्लॉग, डिस्कशन बोर्ड और ब्लॉग। निम्नलिखित में कौन सी संचार प्रौद्योगिकी केवल अतुल्यकालिक संचार को नियोजित करती है, तो 34 का सही आंसर होगा डी, बोथ बी एंड सी, ईमेल और फॉरम्स। ये एन एग्जाम्पल मतलब अतुल्यकालिक माध्यम का उदाहरण है, तो 35 का जो सही आंसर होगा वो भी न्यूज़पेपर। निम्नलिखित में से कौन सा एक तुल्यकालिक निर्देश का उदाहरण है, तो यहाँ 36 का जो सही आंसर होगा वो होगा वेबिनार ए। विभिन्न प्रकार का या के ऑनलाइन संचार उपकरण है, तो यहाँ पे ऑनलाइन संचार, तो उसे हम क्या कहते हैं ऑनलाइन संचार के लिए, तो 37 का जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबो होगा, वेबकास्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या पॉडकास्टिंग। VoIP एक शब्द है जो बातचीत के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, तो मतलब VoIP मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म हो गई वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। 38 का सही आंसर होगा बी, ऑडियो। नेक्स्ट, सार्वजनिक संचार के लिए विशेष रूप से मेलिंग सूचियों में किस ऑनलाइन संचार उपकरण का उपयोग व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, तो यहाँ 39 का जो सही आंसर है वो है ए, ईमेल। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन संचार का एक लाभ है,
ऑनलाइन संचार का जो लाभ है वो कौन सा है यहाँ पे, सी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम एंड स्पेस। वेब 1.0 की पहली पीढ़ी को किस रूप में जाना जाता है, तो किस रूप में जाना जाता है, इंफॉर्मेशन वेब के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का उपयोग करते हुए संचार का एक तरीका नहीं है, संचार का एक तरीका कौन सा नहीं है, फिशिंग। निम्नलिखित में कौन से इंटरनेट संचार की विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर 43 का जो सही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव, कम्युनिटी बिल्डिंग, इंटरेक्टिव और इमीडिएटली। निम्नलिखित में से किस में डिजिटल ऑडियो फाइलें शामिल है, तो डिजिटल ऑडियो फाइलें किस में शामिल है, इसमें पॉडकास्टिंग में। वेबकास्टिंग इंटरनेट पर है, वेबकास्टिंग ओवर द इंटरनेट, तो यहाँ 45 का सही आंसर है डी, ब्रॉडकास्टिंग। वर्डप्रेस से निर्माण किया जाता है, तो वर्डप्रेस से निर्माण क्या किया जाता है, यहाँ पे सी ब्लॉग्स। न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी को किस रूप में जाना जाता है, न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी को किस रूप में, डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है। समाचारों के लिए लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग है, समाचार के लिए लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग कौन सी है, ट्विटर है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, तो सही आंसर डी,